प्रताप सिंह, आज मैं आपको बताऊंगा यूपी कांस्टेबल के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की कौन सी बुक्स पढ़ी जाए। वैसे आप जिससे भी पूछते होंगे, जितने लोगों से पूछते होंगे कौन सी बुक्स पढ़ी जाए, तो आपको वो अलग अलग किताबें बताएंगे। जिससे जो पूछेंगे वो अपने हिसाब से किताब बताएगा, और जिसने जो पढ़ी होगी वही बताएगा, उसकी भी गलती नहीं है। अब मैं आपको वो किताब बताऊंगा जो बहुत अच्छी है, मैंने कई सारे लोगों से पूछी है और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इन बुक्स के बारे में, और मैंने क्या देखा है कि जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं यूपी पुलिस के कांस्टेबल के, उनसे किस बुक से क्वेश्चन ज़्यादा आए। पेपर मैंने एनालाइज किया, मैच किया, जब देखा सब कुछ, तब मैंने ये बताया। और कुछ कारण और है क्यों यही किताब पढ़ें, क्या कारण है मैं ये भी बताऊंगा। जब किताब को बुक्स को बताऊंगा तो ये भी बताऊंगा कि क्यों ये किताब पढ़ें। और देखिए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों, छोटे भाई, जो भी अपने रिलेशन में आपके एग्जाम देने वाले हो, जिन्होंने फॉर्म भरा हो, तो उनको सबको ये शेयर करें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अब जैसे कि सबसे पहले आती है मैथ, अंक, गणित, इसके लिए कौन सी किताब पढ़ें। आप अगर पूछेंगे तो आपको बहुत सारे लोग बताएंगे आर एस अग्रवाल पढ़ें, कुछ लोग किरण की बताएंगे, कुछ लोग कहेंगे राकेश यादव 7300 पढ़ें, कुछ लोग 7300 की बताएंगे, कोई किरण की बताएगा, कोई आर एस अग्रवाल बताएगा, आर एस अग्रवाल ज़्यादातर लोग बताएंगे, लेकिन मैं इन तीनों को नहीं बताऊँगा, मैं कारण भी बताऊँगा क्यों नहीं ये करें। अब चलो आइए बताते हैं एस डी यादव क्यों पढ़ें। एस डी यादव ये किताब है, शारदा पब्लिकेशन की बुक है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा इसे इसलिए पढ़ें क्योंकि जैसे ये तो देखो एक्सरसाइज की, जैसे मैं लेता हूँ इसमें प्रतिशतता 283 पेज नंबर प्रतिशतता मैंने ले लिया। इसमें क्या है देखिए, जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ, आपने यूपी, मैं जानता हूँ यूपी पुलिस आपने अगर एग्जाम दिया होगा, देने वाला आपने फॉर्म भरा होगा, तो आपकी उम्र 18 साल हो सकती है, 18 से 22 के बीच में जनरल की, और आप नए अभ्यर्थी हो सकते हैं, तो आप नए हैं तो जरूर ये बात को माने। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हर चैप्टर के जैसे जो टाइप है उसमें बताएगा, टाइप बाय टाइप, जैसे कि प्रतिशत कमी पर आधारित, तो उस पर आधारित 5 क्वेश्चन दे दिए और फिर एक्सरसाइज दे दी। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, तो उसकी एक्सरसाइज दी और उसका समझाया गया, एग्जाम्पल दिया गया। क्षेत्रफल आयतन पर आधारित प्रश्न, तो मतलब उसकी एक्सरसाइज दी गई है और उसकी फिर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो जैसे आय व्यय पर आधारित प्रश्न, तो उसकी एग्जाम्पल मतलब दिए गए, समझाए गए एग्जाम्पल, ये देखो एग्जाम्पल समझाए गए, फिर उसके एक्सरसाइज दी गई। चुनाव पर आधारित प्रश्न, तो उसकी देखो एक्सरसाइज दी गई है, उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप तुरंत समझ सकते हैं, सब समझ जाएंगे। देखिए जैसे कि मैंने लिया लाभ हानि, इस पर क्या, जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए, तो इसके ये क्वेश्चन दे दिए अलग। जब कोई ये जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए, तो उस पर भी देखो ये अलग दे दिए। तो क्या इसमें हर टाइप का अलग अलग क्वेश्चन दिया, जैसे कि आप नए होंगे, पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आपके लिए बहुत आसान होगा, तो आप ये सही से पढ़ सकेंगे, तो आपके लिए किताब बहुत अच्छी सिद्ध होगी, हेल्पफुल सिद्ध होगी। तो देखिए आपको मैथ में यही किताब पढ़नी है, अगर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद जब ये आ जाती है तो आप राकेश यादव 7300 ले सकते हैं। अब चलो आते हैं सम्मान ज्ञान, जैसे कि महासागर माना जाता है, एक समुद्र माना जाता है, तो इसको पार करने के लिए किस नाव का यूज किया जाए, किस नाव पर बैठा जाए जिससे कि समुद्र आसानी से पार हो सके। तो देखिए मैं इसके लिए समान ज्ञान के लिए ल्यूसेंट की किताब बताना चाहूँगा, ये तो पुरानी किताब है थोड़ी, अब नया पैटर्न पे आई है, थोड़ी चौड़ी और लंबी होती है, तो वो आती थोड़ी पतली भी है इससे, तो आपको ये किताब लेनी ल्यूसेंट की। ये क्यों लेनी है, देखिए इस पे एनसीईआरटी पर आधारित कोर्स, मतलब क्या है, जो एनसीईआरटी में लिखा है उसी पर, उसी को निचोड़ इसमें लिखा गया है। क्या होता है, एनसीईआरटी सबसे ऑथेंटिक बुक माना जाता है, जितने एग्जाम सेटर होते हैं वो सब इसी बुक से बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या, हर चैप्टर बाय चैप्टर दिया गया है, समझाया गया है हर चैप्टर में क्या कैसे पढ़ना है, हर टॉपिक दिया गया है, जितने भी एग्जाम में जितने टॉपिक आते हैं, जितने चैप्टर आएंगे, जितना आपके सिलेबस में दिया गया है, सब इसमें सब दिया गया, सब बताया गया है, तो आपको सब इसमें मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपको इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, सिर्फ वही पढ़ लें पहले, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, हो जाएगा, उसी से 80% क्वेश्चन आते हैं। देखिए 100% सिलेबस है, आपको मैं 50% सिलेबस बता दूंगा, लेकिन नंबर उसमें 80% आ जाएंगे। कैसे आएंगे वो मैं बताऊंगा टेक्निक, क्योंकि वही ज़्यादातर उसी से क्वेश्चन आते हैं, और कई चैप्टर दे देते हैं, सब्जेक्ट दे देते हैं, उनसे क्वेश्चन एक दो आते हैं, तो आपको मैं वो भी बताऊंगा, ना तो लंबा वीडियो हो जाएगा, अभी तो मैं बुक्स बताना चाहता हूं सर। तो आपको समान ज्ञान ये किताब लेनी है, और आपको कोई डाउट होता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको वो सब्जेक्ट बताऊंगा जो सबसे आसान माना जाता है, लेकिन वो आसान होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपकी यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें साबित कर दिया उसने भी कि मैं आसान नहीं हूँ, वो है हिंदी, क्योंकि हिंदी में कई सारे लोग फेल हो गए हैं,
और फेल भी ना हुए हों, लेकिन ये क्या होता है, इसी से मेरिट बन जाती है, इसी से सब कुछ होता है। जो देखो 50 में 45 जो क्या होता है, 50 में 40 नंबर तो सबको ही क्या जाते हैं हिंदी में, लेकिन 45 से 50 के बीच में उन्हीं के आते हैं जो मेहनत करते हैं और उन्हीं का सिलेक्शन हो जाता है। हिंदी में नंबर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। देखिए हिंदी में आपको मैं बताऊंगा समान ज्ञान के लिए ल्यूसेंट की, अब मैं ये भी बताऊंगा ये क्यों बताऊं, क्योंकि बहुत से लोग आपको हरदेव भाईरी बताएंगे, पीएन पांडे की भी बताएंगे और भी न जाने कितनी किताबें बताएंगे। अब मैं ये इसलिए किताब बताना चाहता हूं कि क्योंकि इसमें कुछ खासियत है, और अन्य किताबों में क्या होता है, बहुत जो किताबें बताई हैं पीएन पांडे और हरदेव भाईरी, इसमें बहुत दिया गया, बहुत ज़्यादा दिया गया है। क्या है, देखिए आपको देना यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, ना कि आपको देना नेट हिंदी के लिए, ना कि और आगे जो और टेट एट हैं उनके एग्जाम देने, तो वो किताब अलग हो गई। और क्या है, उसे बहुत डीपली दिया गया, आप डाउट में हो जाएंगे, मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो किताबें अभी नहीं पढ़नी है। ये किताब देखिए पढ़ लें तो आपका सिलेक्शन पक्का इसी से आ जाएगा, 100% क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिए इसे क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी एक्सरसाइज संधि है, संधि के बारे में समझाया गया, एक एक बारे में सब बताया गया, सही से आसान तरीके से बताया गया, आसान भाषा में बताया गया। फिर क्या होता है, आप जब ये पढ़ लेते हैं पूरा तो आपको एक्सरसाइज लगानी होती है, तो इसमें एक्सरसाइज भी दी गई है। देखो ये एक्सरसाइज दी गई है, और अन्य किताबों में क्या होता है एक्सरसाइज नहीं देते, 94 क्वेश्चन दिए गए, इससे आप काफ़ी अच्छा अपना एनालाइज कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कितना हमें आया कितना नहीं आया। और जैसे कोई भी चैप्टर है तो सबके बाद में उसकी एक्सरसाइज दी गई है उसकी, तो उसमें आप सही से समझ सकते हैं। और इसमें क्या है, लास्ट में जो पेपर में को हिंदी आ चुकी, जो लास्ट एग्जाम जो हुए हैं अभी तक, जो जैसे नेट का हो गया, बीएड का हो गया, और भी चीज़ के हो गए एग्जाम, उनके भी क्वेश्चन पेपर इसमें लास्ट में दिए गए हैं, वो भी आप लगा सकते हैं, जिससे कि आप अपने आप को जज कर सकते हैं। तो ये किताब आपके लिए बहुत सिद्ध होगी, अच्छी लाभदायक सिद्ध होगी, तो ये किताब अच्छी है। अब लाते हैं सबसे लास्ट सब्जेक्ट, जो कि आसान होता है और कठिन भी होता है कुछ लोगों के लिए, तो ये है रीजनिंग, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। तो इसमें क्या है, ये किताब आपके लिए मैंने क्यों बताई, एस चांद पब्लिकेशन की है, क्योंकि अभी तक मार्केट में कोई ज़्यादा रीजनिंग की किताब नहीं आई है, रीजनिंग की ज़्यादा बुक नहीं आई है कोई भी। तो देखिए ये सबसे अच्छी इसलिए है क्योंकि इसमें सब चैप्टर कवर किए गए हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर सब कवर चैप्टर कवर किए गए हैं, और इसमें सही से बताया भी गया है। जैसे कि इसमें एक दो चैप्टर है थोड़े सही नहीं है, जैसे कि कैलेंडर हो गया, पासा हो गया, तो ये थोड़े सही से नहीं बताया गया एक दो चैप्टर, उन्हें मैं नेक्स्ट कभी वीडियो टाइम मिलेगा वीडियो में बता दूंगा। कैलेंडर क्वेश्चन वैसे अगर आप लगाएंगे तो आपको कम से कम 1 मिनट लग जाएगा, लेकिन जब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो 5 सेकंड से अगर ज़्यादा लगे तो आप मेरा नाम भूल जाना, तो मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा। बस आप क्वेश्चन देखते ही डेट, जैसे कोई डेट दी गई आप बता दें उस दिन कौन से, उस डेट को कौन सा दिन होगा, बहुत से कैलेंडर से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं मैं आपको बिल्कुल डाउट क्लियर कर दूंगा, वो इतना आसान बता दूंगा कौन ना समझो। और तो इसमें सब चैप्टर खैर सब ठीक है। तो देखिए ये तो मैंने आपको किताब बताने की कोशिश की थी, मेरा जो एक्सपीरियंस था तो मैंने बताया, कई सारे लोगों से मैंने पूछा, मैंने कई दिनों तक ये किताबें देखी हैं, पहले पढ़ी, मैंने समझा, और मैं कई दिनों से पढ़ भी रहा हूँ, सालों से पढ़ रहा हूँ किताबों को, तो मैं बताना चाहता हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है कि इनसे बाहर नहीं आना यूपी कांस्टेबल का एक भी क्वेश्चन, अगर आप इन्हें सही से पढ़ लेते हैं तो इनसे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। लेकिन मेरी आपसे यही निवेदन है कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इसे अपने दोस्तों तक और अपने छोटे भाई बहनों जिन्होंने भी फॉर्म भरा है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, आपके रिलेटिव में बहुत से लोग होंगे, उन्हें ये शेयर करें, जिससे क्या होगा मुझे भी लगे कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ मेहनत कर रहा हूँ तो लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है, लोग देख रहे हैं, और क्या करना है इसमें ये शेयर करना है। तो मैं भगवान से यही विनती करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आपको वर्दी मिले, जिससे कि आप भी गौरवान्वित महसूस हों और आपके घर वाले भी गौरवान्वित महसूस करें। जब आपका सिलेक्शन होगा तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, आप मुझे बताएंगे, व्हाट्सएप करेंगे, क्योंकि कई सारे लोग व्हाट्सएप करते भी हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। तो बस मैं यहीं से आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, धन्यवाद, जय हिंद।